ऑब्जर्वेशन में. थैंक यू. बाबा फ्लैगशिप रिमाइंड्स अ चाइल्ड मेमोरीज. और एक स्टोरी याद आती है जब माँ हमें बोलती थी, मेरा बेटा तो बेटा पोइट्री बोल के बताओ. हाँ. कौन सी पोइट्री आती है आपको? तो आपको यार याद है? बिल्कुल, बाबा ब्लैक शीप याद है, आई थिंक सबको याद है. हाँ. तो आई थिंक जब फिल्म आई तो ऑब्वियसली हमें भी बचपन की यादें जो है वो याद आई. बट आई थिंक फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बचपन में ले जाएगा, ये एक अलग ही कहानी है. एंड एक फैमिली एंटरटेनर है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. अच्छी बनाई है, मज़ा किया. ऑफकोर्स, लाइक जब मुझे विश्वास ने बोला था कि माई फिल्म आ रही है बाबा, लाइक यू नो लाइक आई वॉन्ट टू कास्ट यू फॉर बाबा ब्लैक शीप, मैं तो नाम सुन के आई वॉज सोल्ड. आई वॉज लाइक वाह, दिस इज साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑफकोर्स वैन आई हर्ड द स्क्रिप्ट इट वॉज मोर सो लाइक यू नो सोने पे सुहागा. आई वॉज लाइक वाओ, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स यू नो कॉमिक थ्रिलर. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. जब स्टार कास्ट की बात करें तो लाइक के अनु जी, अनु और अनुपम खेर जी, एक बंच ऑफ टैलेंट एक साथ आता है जी. और फिर आप उनसे जुड़ते हैं जी. तो कितना प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ इनसे को भी कुछ सीखने मिलेगा और मज़ा भी आएगा. बिल्कुल यार, बिल्कुल सीखने को मिलेगा. मैं तो आज भी वही कहता हूँ, मैं वही दिल्ली का लड़का हूँ जो वो हीरो बनने आया था, और आज भी वैसे ही सेट पे जाता हूँ बिल्कुल लाइक न्यू कमर. और जब इतने बड़े एक्टर्स के सामने खड़े होकर काम करने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, बहुत सीखने को मिलता है इनसे. सो आई थिंक इस फिल्म में काम करने के मौके के साथ साथ बहुत सीखने का मौका मिला. बिल्कुल, इवन मुझे भी यहाँ पे बहुत सीखने को मिला. एंड यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद गुड एक्टर्स, जब अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हो तो यू नो आपकी खुद की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है. बिकॉज यू नो लाइक it's acting is about give and take, right? It's about action is reaction, so it just improves your performance by itself. So hum backdrop dekhe to ek line di gayi hai, hum kaale hain to kaale hain par dil wale hain. Ye cold line kiski thi? Ye actually ये लाइन सर ने ही डाली है, विश्वास पांडे सर ने. लेकिन एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, बिकॉज इस फिल्म में बाबा ब्लैक शीप इसलिए बिकॉज सारे ब्लैक शीप हैं, सब में कुछ कुछ काला है, कुछ ग्रे है. तो वो जब किरदार खुलने शुरू होते हैं फिल्म में तो मालूम पड़ता है किसने आगे फिल्म बढ़ी. ऑल्सो अनुपम खेर प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. हाँ, दो किरदार निभा रहे हैं सर. तो मज़ा आता था उनको देख के कि किस तरह वो एक किरदार में जाके फटाफट दूसरे में आ जाते थे. तो बड़ा सीखने को मिलता था यार, किस तरह आप कैरेक्टर को संभाल कर रखते हो अपने अंदर और कैसे लाइन में निकल के आता है कैरेक्टर. सॉन्ग लॉन्च पे था मैं आर्ट रॉक कैफे में, तो मतलब बहुत ही अच्छी एक महफिल जम गई थी स्टार का साथ जी. जी अनु कपूर जी मतलब जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके बोलने में भी एक डायलॉग होता है. हाँ करेक्ट, एक डायलॉग होता है हर चीज में. आई थिंक वो एक एक किस्सा जो हमें उन्होंने सुनाया है फिल्म में, इतना मज़ा आता था उनके साथ बैठ के. बिकॉज एक तो उन्होंने इतनी इंडस्ट्री देखी है, खुद का नॉलेज बहुत है, तो आई थिंक वो जो किस्से सुनाते थे बड़े मज़ेदार थे. एनी इंटरेस्टिंग? आई थिंक हर किस्सा, एक एक अभी वीडियो भी बस थोड़ी देर में वायरल होने ही वाला है. हम लोग जब डिनर करते थे एक साथ. हाँ. तो अनु कपूर सब गाने गाते थे. अच्छा. तो उन्होंने एक गाना गाया, वो किस अंदाज में गाया वो भी हम बस थोड़ी देर में लीक करने वाले हैं. अनु सर सॉरी बट हम लीक करने वाले हैं. ये जो कॉम्बिनेशन है अनु कपूर का, अनुपम खेर का, जी बहुत इंटरेस्टिंग है. जी लाइक जब वो दोनों साथ में होते हैं ना तो एक स्टेज गर्म हो जाता है. वो तो आपने खुद ही देख लिया था उस दिन किस तरह यू नो टेक ओवर कर लेते हैं एंड खूब इन्जॉय करते हैं. आई थिंक वही मज़ा है, इनसे यही सीखने को मिलता है कि बहुत स्टारी स्टारी कभी नहीं रहना चाहिए. यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट हु यू आर. सो आई थिंक ये इन लोगों से हमने सीखा. तो जब भी कोई नया डायरेक्टर आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कितना हेल्पफुल होता है काम करने में और कितना मज़ा आता है जब कोई नया डायरेक्टर आपको सिखाने के लिए, आपको डायरेक्शन के लिए कास्ट करता है? यार आई थिंक हमें तो बहुत हेल्प लगी. आई थिंक विश्वास पांड्या सर की ये बहुत बड़ी बात थी, वॉज़ वेरी क्लियर कि वो क्या चाहते हैं. तो आई थिंक वो बहुत अच्छा था. आई थिंक कैरेक्टर वाइज हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. आई थिंक मंजरी भी इस बात पे एग्री करेगी. आई थिंक कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई. और ऑल्सो विश्वास इज अ वेरी गुड एक्टर हिमसेल्फ, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर एन एक्टर व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर हु इज ऑल्सो गुड एक्टर. एंड विश्वास इज ऑलवेज वेरी क्लियर अबाउट उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए. Even though it's his first film, but still, you know, like the clarity honi chahiye director mein, he had it beautifully, so that really helped. Yep. So, Manish, aapne host kiya hai, anchor bane hain, ab Bollywood pictures mein bhi aane lage. Hmm. Where you find yourself? Gaata bhi hai. Gaate bhi hai, singer bhi hai. यार मैं सब करता हूँ यार, मैं जो enjoy करता हूँ मैं करने लग जाता हूँ. तो मेरा कोई hard pass rule नहीं है कि मैं सिर्फ फिल्में करूँगा या मैं television पे hosting करूँगा या मैं गाना गाऊँगा. मेरा एक ही फंडा क्लियर है कि मैं एंटरटेन करूँगा चाहे कोई भी मीडियम मिल जाए, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता. तो अब मैंने हाँ यार एक रोल है जो मुझे बड़ा ही पसंद है. मुझे बच्चन साहब की दीवार फिल्म बहुत पसंद है. Okay.
तो उसमें जो उन्होंने वो रोल किया था ना, तो वो मुझे बड़ा पसंद है यार। और एक अग्निपथ, उसका तो रीमेक बन चुका है, तो पता नहीं अगर रीमेक का भी रीमेक बनता हो तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। There's one character, I don't want to talk about it right now, but there's a character I am personally working on, I really don't want to, say it, but from the films that have been made, I really loved Queen. Mujhe Queen ka jo script tha and jo characterization tha, mujhe bahut pasand aaya tha. Bollywood mein ek bahut hi bada, matlab pehle hum pehle zamane mein picture aati thi to itne clash nahi hua karte the aur bahut understanding raha karti thi producer directors mein, aur aaj ke time pe ek bahut bada mudda ban gaya hai clashing ka. हर एक पिक्चर क्लैश हो रही है, डेट्स नहीं मिलती हैं रिलीज करने के लिए, आपकी पिक्चर भी आ रही है इंडिया के साथ जी. तो किस तरह से आप देखते हैं ये क्लैशिंग को सब? आई थिंक यार सब हेल्दी कॉम्पिटिशन है. आई थिंक कोई किसी को इंडस्ट्री जो है एक परिवार की तरह है. आई थिंक हम यहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखाने नहीं आए. अब हाँ इतनी सारी फिल्में बनती हैं तो क्लैश तो होंगे ही, तो आई थिंक बट अच्छी बात है. देखो आप अक्षय कुमार साहब ने किस तरह जगह दे दी पद्मावत आई, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग भी है इंडस्ट्री में. तो आई थिंक अगर हमारे साथ भी कोई आए क्लैश हो, अगर हमें भी कोई कहे तो हम बिल्कुल जगह देने को राजी हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. सो आई डोंट थिंक कि ये कहीं भी किसी को नीचे दिखाने वाली बात है. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इफ इट्स अ गुड फिल्म इट विल वर्क. या एब्सोल्युटली. सो डू यू थिंक इंडियंस जो स्क्रीन है बहुत कम है, ये भी एक बहुत रीजन है बहुत बड़ा? नहीं, मेरे ख्याल स्क्रीन्स कम नहीं है, इंडिया में टैलेंट बहुत है. तो आई थिंक उतना टैलेंट जो है, आप देखें अगर 52 वीक्स हैं तो उसके हिसाब से ही फिल्में बन रही हैं, लेकिन फिल्में ज़्यादा हैं तो आई थिंक क्लैशेस तो लाजमी है. बट आई थिंक कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है, उन्होंने जो देखना है वो वही देखने जाएंगे. यार यही कहना चाहेंगे, बाबा ब्लैक शीप 23 मार्च को आ रही है, हमने बड़े दिल से फिल्म बनाई है, डेफिनेटली जाके देखें. अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मंजरी को पसंद करते हैं, बाकी जो दिग्गज हैं इनको तो पसंद करते ही करते हैं, सो आई थिंक जाएं फैमिली एंटरटेनर. 23 मार्च को प्लीज पूरी फैमिली के साथ सब जाइए. बाबा ब्लैक शीप, अगर आप टाइटल की बात करें तो हीरो का नाम बाबा है और सारे ब्लैक हैं फिल्म में, इसलिए कैरेक्टर सारे ब्लैक हैं. अनुपम खेर हो, अनु कपूर हो या के मेनन हो, एक विलन का रोल भी है एक कैरेक्टर का, सारे ब्लैक कैरेक्टर्स हैं फिल्म में. मनीष भी ब्लैक है इन अ सेंस, तो ब्लैक शीप हैं सारे, इस तरह से बाबा ब्लैक शीप नाम पड़ा. और जहाँ तक मैंने लिखी भी है मेरे एक दोस्त संजीव पुरी के साथ, संजीव और मैंने साथ में लिखी है, तो जब हम लिख भी रहे थे तो हमने ये सोचा था कि कैरेक्टर सारे अनयूजुअल होने चाहिए और एक फन कॉमिक थ्रिलर हो लेकिन क्वर्की प्लॉट हो, कुछ नया दे ऑडियंस को. और प्लस मैं जब लिख भी रहा था मैंने ये सोचा कि जिस तरह की फिल्में मुझे पसंद थी जब मैं बड़ा हो रहा था, फिर वो गाय ऋची हो या विजय आनंद हो या ऋषिकेश मुखर्जी हो, कॉमेडी और क्राइम कहीं पर मुझे हमेशा पसंद था. तो मुझे लगा कि मेरी पहली फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो मुझे अच्छी लगे लिखते वक्त. यार अनुपम खेर के साथ ना मेरी ज़िंदगी की सारी पहल हुई है, तो मैंने जब अपना पहला एक्टिंग रोल किया था अनुपम खेर के साथ किया था, और मैंने अपना पहला प्रोडक्शन किया वो भी अनुपम जी के साथ किया, और फिर अब मेरी पहली डायरेक्टोरियल वेंचर है तो ये भी अनुपम जी के साथ ही शुरू करने का मन था मेरा. जब मैं लिख रहा था मैंने डिसाइड कर लिया कि ये रोल अनुपम जी करेंगे और पहले अनुपम जी को ही साइन किया मैंने. और जहाँ तक अनु कपूर है, अनु कपूर को मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा एक रोल नहीं किया है किसी फिल्म में, और इसलिए मैंने उनको अप्रोच किया. और एक्टर तो हैं ही वो कमाल के, और के मेनन तो मेरे दोस्त भी हैं पुराने, मैंने उनको सिर्फ एक ही बार रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, एक स्पेशल अपीयरेंस है, मैं चाहता हूँ कि आप करें ये फिल्म क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म है, और उन्होंने एक मिनट में हाँ कर दी थी. एंड उन्होंने भी एक क्वर्की पुलिस ऑफिसर का रोल किया, तो मेरे लिए तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस रहा कि इतने अच्छे एक्टर मिले. मनीष मंजरी ने बहुत अच्छा काम किया जो विलन का रोल कर रहे हैं, मनीष वाधवा उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बाकी हर छोटे एक्टर ने फिल्म में बहुत अच्छा काम किया. तो मेरे लिए तो बहुत ही ब्रिलियंट एक्सपीरियंस रहा एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, कि मेरे साथ इतनी बड़ी टीम थी साथ में और मुझे बहुत सीखने को मिला. शूट की बात करें तो जब
सॉन्ग लॉन्च पे हमने देखा था, काफ़ी मस्ती हो रही थी जब अनु कपूर जी और अनु कपूर जी तो बहुत ही मस्ती हो रही थी। तो ऑन लोकेशन शूट पे आप कैसे डील कर पाते थे सबसे? एक्चुअली ऑन लोकेशन शूट पे हमें पता ही नहीं चला कि हमारी फिल्म कैसे बन गई, क्योंकि हम सब आई थिंक हंसी मजाक में फिल्म बनी है, हमको सबको इतना मज़ा आया फिल्म बनाते वक्त कि कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी और सारे अच्छे इंसान हैं जो जुड़े हुए, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और उनके साथ डील करने में कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही हंसता रहता था जब मैं देखता था कि अनु कपूर, अनुपम खेर, मनीष, ये सब इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है इनका कि मुझे बड़ा मज़ा आता था और कभी कभी मुझे बहुत अच्छे मोमेंट्स मिल जाते थे क्योंकि ये सब इम्प्रोवाइज कर रहे होते थे फिल्म में। आपकी वाइफ की बात रेशियो जो है एक्टर है तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा इस फिल्म को लेकर, राइटिंग को लेकर, ऑल द मूवीज पूछेगा? आई थिंक प्राची का बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वही उन्होंने मुझे इंस्पायर किया या मुझे पुश किया कि यार आप डायरेक्ट करो, आप फिल्म लिखो, आप डायरेक्ट करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं एक अंदर की बात बताना चाहूँगा कि उनके सारे इंटरव्यूज़ और सारे जो राइटअप्स हैं वो मैं ही लिखता हूँ उनके लिए, तो जब उन्होंने कहा जब आप इतना अच्छा लिख रहे हैं तो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं फिल्म, तो इस तरह से। और ऑफकोर्स मैं एक्टर भी रह चुका हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट शी हैज़ बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन एंड शी हैज़ बीन देयर ऑल द टाइम लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। यस 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 है, ऑलरेडी एक फिल्म है जो मैं प्लान कर रहा हूँ जो एक रोम कॉम थ्रिलर है जो मैं इसके बाद बनाना चाह रहा हूँ, बट उसमें भी थोड़ा सा क्वकी है, थोड़ा सा क्राइम है, तो मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, वी नीड इट, थैंक यू। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।